अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिकमत यूनानी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बवासीर के बारे में। बवासीर ये एक उजलाती रोग है। ये दो तरह की होती है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। इसमें ये कब्ज की वजह से होती है। आंतों में जब खुश्की आ जाती है, खुश्की सर्दी या खुश्की गर्मी, तब ये बवासीर होती है। इसमें पाखाने के रास्ते जलन, दर्द भी हो जाता है और जब ये शदीद हो जाती हैं तो इसकी तहरीक बढ़कर ये गर्म खुश्क हो जाती है, जिसमें मौके भी पैदा हो जाते हैं। तो ये बहुत ही परेशानी वाला रोग है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या दवाई लेनी है। बहुत ही आसान है। आपको लेना है पोस्त फिंदक। पोस्त फिंदक को लेकर 100 ग्राम ले, उसको तवे पे रखकर थोड़ा ब्राउन कर ले। उसे इतना ब्राउन करे कि वह 75% जल जाए और 25% बाकी रह जाए। अब उसको क्या करना है, उसको नीचे उतार ले और उसको सफूफ कर ले, बारीक पाउडर कर ले। अब उसको गुलाब अर्क की सहायता से, नाखुदी गोली तैयार करें। आप एक एक गोली सुबह और शाम खाने के बाद दूध से दें। शाम के वक्त त्रिफला पाउडर दें, जिससे पेट भी साफ होता रहे, गुनगुने पानी से या दूध से दें। केवल मात्र 7 दिनों में आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों में ही ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाएं और फ़ायदा उठाएं। और जो नए हुक्मा हजरात या आम जो भी कोई हमारी वीडियो को देख रहा है, वे हमारी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, लोगों का भला करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।